भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की T20 सीरीज के बाद अब वक्त आ गया है टीम इंडिया साउथ अफ्रीका की मेहमानवाजी करें। जी हां, साउथ अफ्रीका वही जिसको भारतीय टीम क्रिकेट के इतिहास में अब तक अपने घरेलू सरजमी पर भी साउथ अफ्रीका को एक भी T20 सीरीज नहीं हरा पाई है। कुछ महीने पहले ही साउथ अफ्रीका ने T20 में टीम इंडिया का दौरा किया था, लेकिन उस वक्त कप्तान ऋषभ पंत थे और 2-2 की बराबरी पर वो सीरीज खत्म हो गई थी। लेकिन अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा है और टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ, तो वहीं साउथ अफ्रीका भी अपनी पूरी ताकत के साथ इंडिया का दौरा करने वाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज के बाद अब प्लेइंग 11 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ बड़े बदलाव है, स्क्वाड में भी बदलाव है और अब इन दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, तो कुछ बड़े नाम यहां पर मिस हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं पहला T20 मुकाबला जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा, टीम इंडिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11, आइए आपको बताते हैं ऐसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच न केवल तीन मैचों की T20 सीरीज बल्कि ODI सीरीज भी खेली जाएंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। अगर स्केड्यूल की बात की जाए तो फिर पहला मुकाबला जो खेला जाएगा वो 28 सितंबर को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 2 अक्टूबर को खेला जाएगा और तीसरा मुकाबला 4 अक्टूबर को खेला जाएगा। कुल मिलाकर समय वही है जो शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा। ओडीआई की बात करें तो 6, 9 और 11, लेकिन अब जानते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैटल की बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा जो की कप्तान है वैसे तो कुछ खास फॉर्म और लय में नहीं है, अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं और कप्तान है, इनसे बड़ी पारी की हम उम्मीद करने वाले हैं। इनके साथ में एक बार फिर KL राहुल को मौका दिया जा रहा है। टीम इंडिया ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया जो है वो KL राहुल के साथ में ही जाने वाली है, इसलिए यहाँ पर ओपनिंग में KL राहुल जो है एक बार फिर आपको रोहित शर्मा के साथ में ओपन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तीसरे पायदान पर चूंकि विराट कोहली का खेलना तय है, ये बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डू एंड डाई में जिस तरह से बैटिंग करी वो वाकई में काबिले तारीफ थी। विराट कोहली इसी के लिए जाने जाते हैं। विराट कोहली ने सूर्य कुमार यादव का हौसला बढ़ाया और पारी को बिल्ड किया था। तीसरे पायदान पर विराट कोहली का खेलना तय है। चौथे पायदान पर सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री। डू एंड डाई मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया उसमें उन्होंने ये करके दिखाया और ये बड़ा मैच था, प्रदर्शन आया, बहुत अच्छा लगा। सूर्य से हम उम्मीद करते हैं T20 वर्ल्ड कप में भी और खास तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कुछ इस तरह का प्रदर्शन करे। अब बात करते हैं यहां से बड़े बदलाव के बारे में, तो पांचवे पायदान पर आपको ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर भी दिखाई दे सकते हैं। जी हां, ऋषभ पंत वो युवा बल्लेबाज हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। अपने नाम के अनुरूप तो T20 में प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाए हैं और कुछ खास इनका रिकॉर्ड और एवरेज अभी तक नहीं है, लेकिन क्या पता अब ये जो T20 सीरीज है इनके लिए बहुत बड़ी सीरीज है वर्ल्ड कप के लिहाज से भी, क्योंकि दिनेश कार्तिक को भी इन्हीं के साथ आजमाया जाएगा। अब छठवें पायदान पर आपको दिनेश कार्तिक दिखाई देने वाले हैं। आप सोचेंगे 2-2 विकेट कीपर एक साथ कैसे, तो हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया है, दीपक हुड्डा चोटिल है, इस वजह से इन दोनों का प्लेइंग 11 में खेलना तय हो चुका है। दिनेश कार्तिक विकेट कीपर के तौर पर छठवें पायदान पर शामिल हो सकते हैं। विकेट कीपिंग ना ही सही लेकिन फिनिशर के तौर पर तो इनका खेलना तय माना जा रहा है। दिनेश कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मुकाबले में 2 गेंद पर 10 रन बनाकर फिनिशिंग टच दिया था और उसी के लिए दिनेश कार्तिक को खास तौर पर टीम में शामिल किया गया है, तो छठवें पायदान पर खेलना तय है। सातवें पायदान पर टीम इंडिया के अक्षर पटेल का खेलना तय है। कुछ लोग तो कह रहे हैं अच्छा हुआ कि जडेजा चोटिल हुए ताकि अक्षर का जो फॉर्म है वो निकल कर आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज लगातार विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में ये सामने आए। अक्षर पटेल ने तो वाकई में अपनी गेंदबाजी में लोहा मनवा लिया और कुल मिलाकर भारत ने अगर सीरीज जीती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अक्षर पटेल का था, इसलिए सातवें पायदान पर इनका खेलना तय है। बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में रवि अश्विन को अब मौका दिया जा सकता है। रवि अश्विन इसीलिए भी क्योंकि रवि अश्विन जो है वो शानदार लय में नजर आ रहे हैं। यूजी चहल जो कुछ खास नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर, इन्हें एक बार फिर आराम दिया जा सकता है प्लेइंग 11 से और अश्विन को मौका दिया जाएगा, तो यहां पर भी आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब चूंकि गेंदबाजी लाइनअप में बात करते हैं
तीन तेज गेंदबाजों के बारे में। तीन तेज गेंदबाजों में सबसे पहला नाम तो जसप्रीत बुमराह का है ही। बुमराह जो कहीं न कहीं डेथ ओवर के कमाल के गेंदबाज है, अपने नाम के अनुरूप कुछ समय बाद वापसी कर रहे, इसलिए प्रदर्शन तो नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही महंगे साबित हुए थे, एंड ऑफ द एंड इनकी वापसी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए तो कह रहे थे वर्ल्ड कप से पहले अगर एक बार लय हासिल कर ले तो टीम इंडिया के तुरुप के एक हैं। लेकिन इनके साथ में कौन होंगे? अर्शदीप सिंह की वापसी हो चुकी है और इनका प्लेइंग 11 में खेलना तय है, यानी कि बुमराह के साथ में अगर अर्शदीप सिंह डेथ ओवर में मिल जाते हैं तो फिर टीम इंडिया कमाल का प्रदर्शन करने वाली है। अर्शदीप सिंह बहुत ही धाकड़ खिलाड़ी है, डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इनके एशिया कप को अगर एक कैच छोड़ दें तो फिर इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। लेकिन अब इनके साथ में आपको हर्षल पटेल या दीपक चहर में से कोई एक दिखाई देने वाला है, क्योंकि अक्षर पटेल कुछ खास फॉर्म में नहीं है। दीपक चहर को मौका दिया जा सकता है, आजमाया जा सकता है, अगर अच्छा करते हैं तो हो सकता है 10 अक्टूबर से पहले ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो कुछ इस तरह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है पहले T20 मुकाबले के लिए हमारी नजर में, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।